गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ गोवा सीरीज। एंड आज है 30th December एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं बाहर आ गई हूँ। एंड अभी तेजस के लिए आई एम वेटिंग, ही विल ऑल्सो बी कमिंग राइट नाउ। तो आज का जो दिन है फन वाला दिन है, एकदम लोडेड दिन है फन वाला। ओके, तेजस भी बाहर आ गया है, तेजस भी बाहर आ गया। एंड व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आज हम लोग गाइस स्कूबा डाइविंग करने वाले थे। अभी उन्हीं का कॉल आया था कि 8:30 बजे गाड़ी आने वाली है, आप आ जाओ। तो अभी तो पहले हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग जल्दी जल्दी करते क्योंकि हमें सारे बैग्स है ना पार्किंग लॉट में जाके जहाँ पे कार पार्क की है वहाँ पे रखने हैं सारे। एक्चुअली तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो सारा सामान गाड़ी में रख दिया गया है एंड नाउ वी आर हेडेड टू द व्हीकल। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेट्स गो। और ये है वो भाई जिसने डाटा हमें हमें नहीं सबको डाटा। कहाँ से? अच्छा, गजब बेइज्जती है। उधर जाने का हमें लाइफ जैकेट लेने के लिए लाइन बनाते हैं। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। ये मेरे साथ भी होता है। ये ले लूँ क्या? एक मिनट के इतने। और हम लोग ही एक टीनेजर है, मतलब और भी है टीनेजर लेकिन लिटरली और फैमिलीज है। चलो हमारे साथ हम लोग तो चलो फिर भी हम लोग मिड 20s में, लेकिन जो ऐसे है जो जिनकी एज हो गई है उनको भी चिल्ला रहे। वो कितना स्पीड में चल रहा है ये अंकल है ना जो, ये इनको सब पहले चाहिए, बार बार बीच में ही आ, इनको एक पहले दे दो और इनको फेंको पानी में स्कूबा डाइविंग में। जब से निकला तब से उसके पीछे पीछे एकदम वो जो बच्चा नहीं रहता स्कूल में जो टीचर का एकदम खास रहता है पूरा टाइम टीचर के पीछे पीछे ही टीपर। हाँ वो है ये अंकल, ये वाले अभी रुक गए। सो गाइस ये बीच है जहाँ पे हमारे एक्टिविटीज होने वाले। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कितने बजे?
मेरी घड़ी की, हाँ 10:55 हो रहा है और इन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 5-6 बज जाएंगे वापस जाते। तो फन पैक डे है आज, सारे एडवेंचर्स करने वाले हैं और धूप तो है, सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा जितने, क्योंकि एक बार ये टैन हो गया ना सालों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं टैन निकलने को। वो लोग भगवान के बहुत स्पेशल किड्स होते हैं जिनको टैन नहीं होता, टैन नहीं होता, फटाक से निकल जाता है। मुझे बचपन में हुआ था, अब कुछ साल तक वो जाके निकला था, अभी पता नहीं फिर से हो जाएगा, लेकिन हम लोग लेके आए ना सनस्क्रीन। हाँ लेके आए। अपने यहाँ दो ही चीजों के लिए भीड़ जमा होती है, पहली जेसीबी की खुदाई, दूसरी लड़ाई। सो गाइज अभी हम लोग फाइनली लाइफ जैकेट्स पहन लिए हैं एंड हाथ पे उन्होंने हमारा टैगिंग किया है जैसे बच्चों का टैगिंग करते वैसे। तो बहुत ज्यादा मच 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 हो रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर सिंस वी कम हियर। जब से आए तब से हम लोग ने सिर्फ लाइफ जैकेट पहना, हमारा प्रोसीजर इतना हुआ है कि लाइफ जैकेट पहना और इनके झगड़े सुन रहे हम लोग। पता नहीं क्या है, इन लोग का ऑनलाइन स्कैम हुआ है, लेकिन आधे घंटे से मतलब सर्विस बहुत ही, मुझे तो अभी तक एकदम थर्ड क्लास है, क्लास बहुत स्लो है। हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे आए, इनके थ्रू आइए। अभी आप अभी तुम किसके थ्रू आए? हाँ वो आपको बता देते हैं हम लोग किसके थ्रू आए, प्लीज उसके पास कभी मत जाइएगा, बहुत ही थर्ड क्लास सर्विस है यहाँ पे। एक तो गर्दी उन लोग ने इतनी जमा करके रखी है, आप देख सकते हो बीच पे, अभी वो एक एक जाके जेट्स की करेगा और फिर बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आराम से तो आप चील करते करते कर ही नहीं सबको, आपको बार बार जाके पूछना है भाई हमारा क्या, हमारा हो गया क्या, हमारा तो बोले रुको, फिर वो आधे घंटे बाद आपको रिप्लाई देगा, वैसा सीन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। एंड माइंड आर कलर्स, इट्स जस्ट द सनस्क्रीन, बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा है क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है। एंड ये जो पीछे आपको अम्ब्रेला दिख रहे हैं उन सबका भी यहाँ पे अलग धंधा है, 100 रुपए दे दो एंड फिर उसके नीचे बैठे रहो। एक तो पूरे बीच पे कहाँ पे भी कुछ रूफ नहीं है, कोई शेड नहीं है, हाँ कोई भी शेड नहीं है जहाँ पे रुक सके, लेकिन यहाँ पे आके जस्ट हम लोग ने बैग रखा, हमने नहीं रखा लेकिन हमारे जो साथ जो फैमिलीज आई है उन्होंने रखा, बार बार वो स्टॉल वाला आके बोल दिया, फिर चलो वो भी ठीक है उसका धंधा है, लेकिन फिर जो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए वो बोल रहे कि तुम बोलो ना तुम्हारा, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज ही नहीं है लिटरली। सो अभी हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है एंड वी शो यू दैट, लेट्स गो। आप लाइन देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई है, अभी एक एक लोग जाएंगे, इसमें आराम से आधा घंटा जाएगा हमारा, हमारा टर्न आने पर। बोलिए आई गोइंग टू देयर बोट एंड कम बैक। ओके फाइन, 200 रुपीस मोर, बट विल आई बी एबल टू ड्राइव? या यू कैन ड्राइव, सो आई 200 रुपीस एक्स्ट्रा। हां
Guys, that was one hell of a ride and it was so so good. आपने एक्सपीरियंस तो देखा होगा. अभी वी आर गोइंग फॉर बम्पर राइड. लेट्स शो यू दैट. गिराना मत ना थोड़ा. नहीं नहीं, नहीं। अंकल जी मैं आगे बैठूं क्या? सबका अच्छा उनको बैठना. कहाँ पे हम लोग? कहाँ पे? अरे भाई हम लोग भी है. ओ हेलो मेरे को चढ़ा देना भाई. 800 800. बैठो बैठो बैठो. सर कैमरा गिर जाएगा. फोन कैमरा ग्लास गिर जाएगा. आपका सामान आपका जिम्मेदारी हम लोग को नहीं लेगा. ठीक है हाँ. होल्ड पार्टी हो जाएगा तो हाथ छोड़ना है. ठीक है हाँ. अरे भाई गिराना मत. Hello? गिराना मत. गिराना मत. ए, इसको दे दो 800 800 टका 800. मस्त था. खाली उसने लास्ट में जो गिराया है ना इतना जोर से जिसका हद नहीं है. गाइस मेरी तो सारी टोपी वोपी सब उड़ गया था. अच्छा वो चश्मा नहीं गया मेरा. वो जाता तो वो मिलता भी नहीं. हाँ वो नहीं मिलता और मैं भी नहीं मिलता. मैं घूमता रहता भटकता रहता गोवा में क्योंकि मुझे दिखता नहीं है. इतने दिनों से लेंस पहन रहा था. आंखों का धोखा. इतने दिनों से लेंस पहन रहा था तो ठीक था. आंखों का धोखा था. वो ऐसा लग रहा था कि अरे हाँ लेंस पहन रहा था तो ठीक था. तो मैं ग्लेयर तो पहन सकता था. आई नो. आई जस्ट होप हम काली नहीं हो यार यहाँ पे. ये देख सकते हो टैन हो गया हाथ. हेलो
अब जाते हैं नेक्स्ट फ्लाइट। तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है पैरासेलिंग, लेकिन वो बहुत दूर लेके जाते हैं उन लोग, और वहाँ से एक बोट आती है पिकअप करने के लिए। लेकिन पिकअप करने आई जब भी तभी कोई दूसरा ही कोऑर्डिनेटर, वो हमेशा अपने बंदों को आगे चढ़ा देता है वो, तो उन लोगों को चढ़ा दिया उसने हमारा, और हम लोग ऐसे ही खड़े थे हैं, हमारा क्या, पर हमारा कोऑर्डिनेटर किधर है क्या कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ हमें जेलीफिश थिंग करने वाली थी। हाँ, जेलीफिश आई थी, तो हम सोचे कि क्या करते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बोर हो रहे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे भी रूफ नहीं है, कहाँ पे भी शेड्स नहीं है जहाँ पे हम रुक सके। उमा क्या था बोतल का, यहाँ पे स्टार फिश आएगा, जेली फिश आएगा, और शेल में खेकड़े रहते हैं। हाँ, और वो चल रहे हैं, हाँ। हमारे पैर के ऊपर से भी चल के जा रहे हैं। हाँ, तो हमने ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये ज्यादा हो रहा है, तो हम लेग आउट खेल लेते हैं। हाँ, लेग आउट खेलते हैं, चलो चलो। किस पर आया पहला? मेरे पे। हाँ, आउट 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 आउट, चलो बहुत ही थका, चल अभी डायरेक्ट स्टार्ट होता है, रुक नहीं सकते। गाइस बहुत ही टायरिंग गेम है, बहुत थक गए हम, इन लोग जो एडवेंचर करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं, उससे ज्यादा इसी में थक गए थे हम लोग। अभी जाते हैं कुछ खाना पीना, क्योंकि बहुत प्यास लगी है, डिहाइड्रेट हो गए हम लोग, और एक तो पूरा उसने जान, हाँ, और एक तो उसने बनाना राइड में गिरा दिया, हम लोग ने बोला था अरे भाई मत गिरा ना प्लीज, फिर भी गिरा दिया उसने। मेरी कैब चली गई यार, मैं आज इसको कैब जाने से पहले ही बोल रहा था कि मुझे और दो तीन कलर की कैब लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे ध्यान नहीं आया कंटिन्यूस जब से मस्ती थी, उसने बोला था कुछ एक्स्ट्रा मत रखो, कुछ भी गिरा तो नो भर चुक नहीं चलेगा। तो अभी कैब किधर रखूँ मैं, हमारा जो जिधर सामान रखा है वो आधा किलोमीटर दूर है वो। That's not their fault. इसको continuously बोला नहीं, मैं बोल नहीं रहा उनकी फॉल्ट है, लेकिन बुरा लग रहा है यार, 200 रुपए की थी ना, कितने की थी? 200 रुपए की कैप थी गाइस, वो बहुत झिकझिक करके मिली थी 200। हाँ, वो भी बहुत झिकझिक करके मिली थी। और इसकी एक और एक प्रॉब्लम है पता है, अगर ये कोई पैसा बोलता और सामने वाला मान गया ना, हाँ, तो अपन खुश होते हैं, इसको बुरा लगता है, इसको लगता है ये मान गया मतलब इससे और कम हो। अभी कल 3,500 का रूम और वो मान ही नहीं रहा था, और मैंने बोला कि नहीं 2,500 ही दूंगा, 2,500 ही दूंगा, नहीं 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 नहीं, और फिर वो मान गया ना, मुझे बुरा लगा, मैं बोला यार और कम हो सकता था क्या, या आपके साथ भी होता है तो प्लीज नहीं, अगर कोई फटाक से मान गया ना, क्योंकि एक ड्रेस ली इसके लिए हम लोग ने कल, और वो कितना बोला था, 500 कुछ बोला, 500 या 550 कुछ बोला उसने, और फिर मैंने उसको सीधा 300 बोला, हाँ। तो 450, 400, 350 लास्ट माना, मैं बोला नहीं नहीं 300, और फिर हम लोग ना बोला रहने दो, नहीं चाहिए, हाँ। रहने दो, फिर हम लोग निकल रहे थे, बोले तो हम लोग को ताना दिया रे उसने, तो फिर के बोला के 50 रुपये, क्या 50 रुपये के लिए इतना कर रहे हो आप, ले लो, हमारे पास पैसा होते हुए भी हमें इतना गरीब फील हुआ ना, मतलब मैं ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा करके, हाँ दे दो, ऐसा जैसे जैसे कि फ्री में दे रहे हो, तो ऐसा होता है यहाँ पे बार्गेन सिस्टम। चलो हम पहुँच गए हैं हमारे यहाँ पे बैग्स रखे, यहाँ पे खाने पीने का भी सामान है, हम पानी लेते हैं पहले।
करेगा प्लीज, आप लोग को स्कूबा डाइविंग करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन समझ लेनी चाहिए। देखिए स्कूबा डाइविंग करते वक्त आपको स्विमिंग बिल्कुल भी करना नहीं है किसी को भी, ठीक है? स्विमिंग कोई नहीं करेगा, स्विमिंग जो भी करेगा उसको हम लोग रिटर्न लेके आएंगे, ओके? नीचे बहुत सारे कोरल्स है, रॉक्स है, वो बहुत शार्प है, आप स्विमिंग करोगे नीचे जाओगे आपका हाथ पैर को लग सकता है, बहुत इंजरी हो सकती है बड़ी। सो गाइस अभी हमारा टर्न आने ही वाला है स्कूबा डाइविंग के लिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हमारा गोप्रो नहीं लेके जाते क्योंकि आपको बता दें कल से हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गोप्रो में। सो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं शॉट तो यहाँ पे कैसे चल रहा है। अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं वहाँ से, ये दूसरी बोट में शिफ्ट हुए हम, तो वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। डोंट माइंड हाउ वी आर लुकिंग, इट्स बिकॉज़ हम पानी के अंदर थे एंड ऑल दैट एंड बट इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आप आते हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड चेक दिस आउट। अंदर बहुत सारे फिशेस थे, मैं पता नहीं कि मेरे टाइम फिशेस मेरे पास नहीं आ रही थी, और यहाँ पर मेरा ये छोटा है उसकी वजह से मेरे नाक में पानी जा रहा था, बट इसके टाइम बहुत फिशेज आ रही थी विच यू मस्ट हैव सीन बाय नाउ। इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वन टाइम एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट जब तक मैं डर थी आई वॉज ऑलरेडी डाउटेड। और अंदर लगता है, मुझे लगा था कि हो जाएगा, कर लेंगे उसमें क्या पानी है, लेकिन एक तो पानी का प्रेशर बहुत रहता है, ऊपर से मैंने चश्मा निकाला मैं आधा अंधा हो गया, और ऊपर से पानी ना थोड़ा क्या बोलते हैं डस्टी था थोड़ा, तो एकदम क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सही एक्सपीरियंस था, बहुत सही। और मेरे ऊपर आने के बाद सो आई हैव अ फोबिया ऑफ स्नेक्स, मुझे बहुत डर लगता है सांप से, मैंने आज तक एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं देखा, और अगर कभी इंस्टाग्राम पे आ जाते तो मैं तब भी नहीं दिखती हूँ, बट आफ्टर आई केम अप मेरे बाद जो गई थी उसने बोला कि जो गोप्रो से जो लोग शूट करते थे ना नीचे देखे थे गोप्रो वीडियो, उसने बोला आज तक आपने सांप देखे होंगे, नहीं देखे, और ये छोटा वाटर स्नेक, अच्छा मैं थी तभी नहीं दिखा, वरना मैं तो ऊपर आ जाती तुरंत। वो आंटी भाई को थे आई डोंट नो, क्योंकि मैं पहले ऊपर आई थी, वो तो पहले बोल रहे थे उतरने से पहले बोल रहे थे वो के इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही डुबकी मार के आ जाऊँ वापिस। उधर जो प्रोफेशनल डाइवर्स है वो पागल है, वो सब सूट वूट पहन के जा रहे हैं, डाइविंग सूट पहन के जा रहे हैं, और ये मैडम अकेले अपने गोवा के गाउन में जाके आए। बहुत लोग बहुत इरिटेटिंग होने लगे, पर ठीक है यार, अगर एक टाइम मतलब वो एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लगा कि गुड हो जाए। आपको बाहर जाके बताएंगे कैसा सीन था, क्या था सब कुछ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पैरा सेलिंग के लिए फाइनली, बोट पे से आके ऑलमोस्ट कितना एक घंटा रुके थे, हां एक घंटा रुके थे, एंड अभी फिलहाल जा रहे हैं। अच्छा बैठो, 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 बैठो,
गाइस अभी अभी हम पैरासेलिंग करके आए हैं, लेकिन एक ऐसा इशू हो गया कि हम लोग ने स्टार्ट किया जाने के टाइम, लेकिन ये आईफोन का ये गोप्रो का एक इशू है कि अपने आप पॉज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, तो हम आके चेक कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। हम देख सकते पूरा बिक गया है, अभी बेल्ट अभी भी है मेरे पैरों पर। अरे मेरा छूट जाएगा सारा बेल्ट सिस्टम जो भी है मेरा सब छूट जाएगा। बहुत स्पीड में लेके गया था हम एक्चुअली, और किसी के साथ उसने वैसा नहीं किया था जितना हमारे साथ किया। और ये मैं बोल भी रहा था, मुझे लगा GoPro का रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ। लेकिन चलो हम एक्सपीरियंस बहुत सही था, सो इट इज गुड एंड वी एंजॉयड एवरीथिंग। सो या एज लॉन्ग एज वी आर एंजॉयिंग एंड आप भी देख सकते हैं एवरीथिंग, इट्स रियली गुड। सो गाइज वी हैव कम्प्लीटेड आर एक्टिविटीज़ आज का, तो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट होटल पर जो आपको दिखा देंगे। टिल देन बाय। सो गाइज अभी हम लोग ऑलमोस्ट बीच के पास पहुंच गए हैं। बोट वाले को बोला क्योंकि ऐसा सीन था कि हम लोग एक बोट में बैठे रहने का, और जो पैरासेलिंग वाली बोट आएगी हम लोग 14-14 लोगों को लेके जाएंगे, और एक ग्रुप गया उसके बाद हमारा ग्रुप गया, उसके बाद तीसरा ग्रुप गया, तो फिर हम सोचे कि अभी हमारा हो गया, हम खड़े रह के क्या कर रहे हैं, और हमारा अलग ग्रुप है, हम लोग जो बस में आए थे वो पूरे ग्रुप का हो गया था, तो हम सोचे कि फिर इनको रिक्वेस्ट किया लेके चलो आप वापस, तो उन्होंने फिर दूसरे बोर्ड की अरेंजमेंट की उन्होंने, और फिर पहुंच गए अंकल पहले ही कूद गए। चप्पल लेना पड़ेगा ना हाथ में। हम फाइनली बीच पे वापस आ गए हैं एंड वी आर रशिंग, जो ट्रैवलर से हम आए थे वहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज वी आर इन पंजिम एंड यहाँ से एक घंटा लगेगा बागा जाने के लिए, एंड देन बागा से वी हैव टू गो एंड चेक इन टू आर आज का होटल। सो एक घंटा ट्रैवलिंग, और वो भी एक घंटा ट्रैवलिंग भी ठीक है, लेकिन वो इस गीले कपड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही इरिटेटिंग है, क्योंकि एक बार तो हम लोग सूखे हुए, फिर हम लोग ने पैरा सेलिंग में जैसे कि आपको बताया कि हम लोग ने दो डीप का हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया था उन्हें 500 for 2 ना, 500 for 2, लेकिन गाइस वो बहुत ही ऑसम रिकॉर्डिंग होता, क्योंकि मैं GoPro में देख रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हो रहा है रिकॉर्डिंग, लेकिन ये GoPro में कभी कभार जो हमने रेंट पे लिया इसका कभी कभार ऐसा होता है कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है विद इन टू सेकेंड्स वो बंद हो जाता है, फिर वापस उसे स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ये हमारी भी गलती थी कि मैंने देखा नहीं कि पूरा रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, और उसने पानी में इतने जोर से अपने को, और उसने किसी को इतने जोर से डिप नहीं कराया। आई नो, पूरा आपस में और वेव्स में, मतलब वेव्स आ रही है, हम लोग आ रहे हैं आपस में ऐसे लड़ जा रहे आगे जा रहे, मुझे लगा मेरा बेल्ट वेल्ट सब पैर से निकल जाएगा, इतने स्पीड में लिया है ना उसने हवा में, जिसका कोई हद नहीं है। सो जो खाना था ना ग्रैंड आइलैंड का, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। दे गिव यू लंच विथ वन बियर, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग अ बियर दे गिव यू कोल्ड ड्रिंक। सो कैसे रहता है, जो वेजिटेरियन है उनको एक राइस, एक छोले की सब्जी, हाँ एक भाजी, जो भी उस दिन की भाजी होगी, मोस्टली शायद छोले ही होते हैं, एक चपाती एंड थोड़ा राइस मिलता है, एंड जो नॉन वेजिटेरियन है उनको एक चपाती, वही राइस एंड चिकन मिलता है, चिकन ग्रेवी मिलता है, एंड दे विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा रोटी और एनीथिंग, जितना एक प्लेट में आता है बस उतना ही। और यहाँ की बियर का भी एक स्पेशलिटी, आपको पता ही होगा गोवा की बियर सस्ते क्यों रहते, क्योंकि वो फ्लेवर में आपको बिल्कुल लगेगी कि आप बियर पी रहे हो, लेकिन उसका कुछ आप पे असर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं इन लोग नॉन अल्कोहलिक बियर क्यों नहीं बोल के बेचते उन लोग हमें, और लिटरली छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे रो के बियर, हाँ, और उनकी माए पिला भी रही थी, हाँ, ये ले चुप हो जा, बियर पी ले।
सो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वी आर रियली टायर्ड, तो पहले हमें चेक इन करने दीजिए, फिर शाम का बताएंगे। तो यूजुअली पार्ट टू जो है वो इसलिए छोटे है बिकॉज इट्स ओनली पार्टी, एंड पार्टी में आप ज्यादा दिखा नहीं सकते। देखो पूरा दिन हम घूमते इसलिए वो ब्लॉग ज्यादा बड़ा होता right. और शाम को हम एक ही जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे जो भी पार्टी चालू रहती है या शेड पे बैठते तो उतना ही रिकॉर्ड हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स वो अगर आप सुबह से लेके रात के 8 बजे तक का वीडियो देखोगे तो आपको बड़ा व्लॉग मिलेगा लेकिन 8 से लेके रात का फिर हमें जल्दी सोना भी होता है और हमको वीडियोस एडिट भी करना होता है सो क्योंकि और दूसरे हम लोग रोज रूम्स चेंज कर रहे होटल चेंज कर रहे तो हमें सुबह जल्दी उठ के चेकआउट करना होता है तो इसलिए तो रात के व्लॉग्स हमारे थोड़े ऑब्वियसली शॉर्ट होंगे लेकिन शॉर्ट का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं होंगे वो ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे। सो यस अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वी आर गोइंग टू कम अप विद वीडियोस एवरी डे तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आपके फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।